सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीरियस। और हम आ गए हैं पार्ट 44 पर। जबरदस्त क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है। बाकी के पार्ट्स जो आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक्स बराबर दिया है आपको वैल्यू, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पूछा है, तो देखिए कैसे करेंगे। और एक बार आप वीडियो को वॉच करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे पता है आप लोग नहीं करते हैं। देखो, एक्स बराबर 4 माइनस 1 अपॉन, जहाँ से पैटर्न रिपीट हुआ है वही वैल्यू रख देंगे हम। तो मैंने पहली लाइन में वही करा, एक्स बराबर 4 माइनस 1 अपॉन, यहाँ से पैटर्न रिपीट हो गया, एक्स की वैल्यू तो वही रखती है। और यहाँ से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 आ गई। एक्चुअली मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 कब निकलेगा, जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब में। आप कहेंगे 4 और 1 का करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 का करूँगा, तो 4 और 1 का करना सही बात नहीं है। ठीक है, वैसे सही तो है वो भी, बट ये करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। मैं उससे भी करके बता दूंगा आपको, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा में भी कुछ पार्ट आ रहा है, वो मुझे घटाना पड़ेगा। जैसे एक्स की पावर 5 आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस एक्स, और इसका इससे करेंगे तो प्लस 1 अपॉन एक्स। ये एक्स्ट्रा में पार्ट आएगा तो उसको मैंने घटा दिया। यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप देखना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा में क्या आएगा, एक्स की पावर 5, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 5, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो आपको निकालने वही तीन टर्म है, कैसे भी कर लीजिए भाई। ठीक है, बट हम हमेशा इजी वाला यूज करेंगे, ये वाला, दोनों ही इजी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में भर के भी रखिए, ये एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू है। तो देखिए कैसे आएगी। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2 होता है ना, तो 14 आ जाएगा। और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, के क्यूब माइनस 3 के, जाने का 4 का क्यूब 64 माइनस 3 के, 3 × 4 12, तो ये आ जाएगा आपका 52। ठीक है, और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या दिया है, 4, तो यही आपको सॉल्व करना है। 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4 यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन हो जाएगा 724। ठीक है, इससे करेंगे जब हम, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या इतना आया, 14 आ जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर माइनस 2 होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या दिया है, 4, और एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू भी हमने निकाला है 52, तो यहाँ से भी 4 चौक 16, 16 में से 2 जाएंगे 4, तो ये 4 भी इस ऑप्शन से आ जाएगा, 724 जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन से कर लेंगे। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, इस वैल्यू को एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को मैं के मान रहा हूँ, तो के स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है आपका के क्यूब माइनस 3 के। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको करके दिखाना है, और वो क्वेश्चन है ये, एक्स की पावर ये और ये। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये पावर 5 गुनी हो रही है, तो यानी कि आपको सवाल इतना ही दिखना चाहिए कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 दिया है, और एक्स की पावर 5 ये दिया है। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा ना, वो वैल्यू आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, और आंसर मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, आप लोग चाहें तो अभी वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए और बाद में आंसर मैच कर लीजिए। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो बस गाइस, बाकी के पार्ट जो है आप यहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस देखने के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।